बजट 2022 पेश होने की उल्टी गिनती शुरू। 1 फरवरी को होगा देश का बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। बजट से पहले 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इस बार भी आम बजट में दिखेगी डिजिटल इंडिया की झलक। बजट से जुड़े दस्तावेजों की कम छपाई होगी। ज्यादातर सांसदों को मिलेगी डिजिटल कॉपी। कोरोना की वजह से इस बार बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक और लोकसभा की शाम 4 से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट वाले दिन 1 फरवरी को शुरू होगी कार्यवाही। बजट में इस बार देश की महिलाओं की महंगाई पर रोक की मांग। अयोध्या की महिलाओं ने एबीपी न्यूज पर रखी अपनी राय। इतनी महंगाई हो रही है, तेल रिफाइंड के भाव इतने हैं, चीनी इतना बड़ा पड़ा है, ना बच्चों को ठीक से खिला सकते हैं, ना हम कुछ बाजार अगर चले भी जाएं 100 का नोट लेके या 500 का नोट लेके तो पता ही नहीं चलता कि घर में कुछ सामान आया भी है। खेल जगत को भी बजट से है बड़ी उम्मीदें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला बोले, गांव में खेल एकेडमी खोलने के लिए ज्यादा पैसा मिले। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे एकेडमीज और ज्यादा बनना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर का इश्यू कल से खुलेगा। इसका भाव 218 से 230 रुपए तय किया गया है। कल टाटा ग्रुप की हो जाएगी एयर इंडिया कंपनी की क्लोजिंग बैलेंस शीट। टाटा ग्रुप को पहले ही मिल गई है। करीब 69 साल बाद टाटा को फिर मिला है एयर इंडिया का मालिकाना हक। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट में दुनिया की 3 सबसे ज्यादा कीमती आईटी सर्विसेज ब्रांड में भारत की 2 कंपनियों के नाम। इन्फोसिस दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बनाई जगह। इन्फोसिस के ब्रांड वैल्यू में सालाना आधार पर 52% की बढ़ोतरी हुई है। बजट से पहले कल शेयर बाजार पर फिर नजर। मंगलवार को बाजार में गिरावट का सिलसिला रुका था, हालांकि पिछले हफ्ते गिरता बाजार 60,000 से लुढ़क कर 58,000 तक आ गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।